वही अधिकतर गलती यही होती है कि लोग बुखार होने के बाद लेट स्टेज में आते हैं, बल्कि बेस्ट ये है कि अगर आपने पहले दिन से ही ट्रीटमेंट चालू कर दिया, डॉक्टर को कंसल्ट कर लिया, तो आपका प्लेटलेट काउंट उतना नहीं घटेगा क्योंकि हम आपकी दवाई चालू कर चुके होंगे। Hello everyone, this is Vidushi and you are watching The Good Health Show and today we are going to talk about dengue, jise dengue bhi kehte hain. And for that we have Dr. Pankaj Verma ji with us, jo ki Narayana Multispeciality Hospital mein senior physician hai. Hello sir, how are you? Namaskar. Sir, dengue ek aisi bimari hai, dengue jise kehte hain hum, jo aisa mana jata hai ki lifetime mein kisi bhi person ko 4 baar ho sakti hai. एंड इसके सिम्टम्स जो है वो लोगों को अच्छे से कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं कि अगर डेंगू हो रहा है तो उसके पीछे रीजन क्या है. तो मैं जानना चाहूंगी आज हमारे शो में कि इसके सिम्टम्स क्या है एंड रीजंस क्या है. देखिए, डेंगू काफी कॉमन बीमारी हो गई है आजकल, एंड स्पेशली जो रेनी सीजन है वहाँ पे काफी ज्यादा पड़ जाती है, लेकिन आजकल राउंड द ईयर इसके पेशेंट देखने को मिलते हैं. इसके जो मेन लक्षण है वो है हाई ग्रेड फीवर, जो कि बहुत ज्यादा तेज बुखार आता है, जो कि 103, 104 तक भी पहुंच सकता है एंड लगातार बना रहता है, कम नहीं होता. अगर आप मेडिसिन लेते हैं, एंटीपायरेटिक लेते हैं, पैरासिटामोल लेते हैं, उसके बावजूद भी कम तो होएगा लेकिन कम नहीं होगा. नॉर्मली ये 3 से 4 दिन तक हाई ग्रेड फीवर बना रहता है एंड उसके बाद फिर फीवर कम हो जाता है. एंड जो दिक्कत है, इशू यही यहाँ पे आके डेंगू में जो देखने को मिलता है, फीवर कम हो जाता है उसके बाद प्लेटलेट गिरना शुरू होता है. इसलिए क्योंकि लोगों का ध्यान, उनको लगता है कि वो ठीक हो गए हैं, लेकिन उसके बाद उसके कॉम्प्लिकेशंस चालू होते हैं. इस वजह से पेशेंट को 7 से 8 दिन का साइकिल हम डेंगू का मान के चलते हैं. इसके 3 फेजेस होते हैं. पहला फेज होता है हमारा फेब्राइल फेज, जो कि 3 से 5 दिन तक रह सकता है. अगला फेज होता है हमारा क्रिटिकल फेज, जो कि हम 5 से 7वें दिन तक जो पेड होता है वो आपका क्रिटिकल फेज होता है, और उसके बाद जो 3 दिन है वो हमारा रिकवरी फेज में काउंट होता है. जैसे सर आपने बताया कि डेंगू में काफी तेज फीवर रहता है और जब वो कम होना शुरू होता है तो तब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है. तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि फीवर के साथ साथ और भी कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि डेंगू हो गया है. जी हाँ, नॉर्मली इसमें फीवर के साथ में मतलब नॉर्मली इतना सीवियर वीकनेस फील होता है, जिसको हम ब्रेक बोन फीवर या हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं. सारी बोन्स में आपको पेन होता है, जॉइंट्स में आपको पेन होता है, आपकी बॉडी पे रैशेस या लाल चकत्ते भी निशान आपके शरीर पे आ सकते हैं. इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं. और आपके शरीर में अगर पानी की कमी हो गई है तो आपको यूरिन कम आ सकता है या यूरिन डार्क कलर का भी आ सकता है. तो ये सिम्टम मेनली देखने को मिलते हैं. एंड सर, व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डेंगू? देखिए, डेंगू यूजुअली मॉस्किटो से फैलता है, जो कि इसका जो इसका मॉस्किटो है एडीज एनोफिली, उसकी वजह से फैलता है. एंड नॉर्मली ये अगर किसी ने एक डेंगू इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने किसी इन्फेक्टेड पेशेंट को बाइट किया, उसके बाद वही मॉस्किटो ने किसी दूसरे पेशेंट को अगर बाइट किया, तो उस तरह से डेंगू ट्रांसमिट होता है. पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट नहीं होता, ये काफी लोगों में गलतफहमी है. तो ये पर्सन टू पर्सन इन्फेक्टेड उस तरह से नहीं होता है. मॉस्किटो बाइट से जिस तरह से हमारा चिकनगुनिया मलेरिया ट्रांसमिट होता है, सेम ठीक उसी तरीके से उसी सीजन में एक्चुअली डेंगू भी ट्रांसमिट होता है. ओके, पर्सन टू पर्सन नहीं होता है. सर, जब ये वायरस फैलना शुरू होता है, या फिर कह सकते हैं कि काफी बार ऐसा भी सुनने में आता है कि वायरस ऐसे कुछ हाइट पर नहीं है, लेकिन फिर भी ये डेंगू किसी को भी हो सकता है, ऐसा रहता है, तो हमारे क्या प्रिवेंशंस हैं जो हम ले सकते हैं, ऐसे कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स हैं डेंगू से बचने के लिए? देखिए, नॉर्मली आमतौर पर ये धारणा होती है कि जो मॉस्किटो बाइट से जो इन्फेक्शन होते हैं वो नाइट में मॉस्किटो काटता है तो होते हैं. हाँ जी. लेकिन डेंगू में उल्टा है, डेंगू में का मच्छर दिन में काटता है. ओके. तो इस वजह से, क्योंकि हम दिन में यूजुअली इतने ज्यादा प्रिवेंशन या प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं, नॉर्मली इन नाइट वी कैन यूज द मॉस्किटो नेट या फिर ऑल आउट या फिर जो रिपेलेंट है वो हम यूज करते हैं, लेकिन डे टाइम में बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रिकॉशन इसका रिस्क बढ़ जाता है बाइट करने का, एंड इसका ट्रांसमिशन भी डे में ही होता है. और सर, हम कैसे इससे बच सकते हैं दिन में? मेन तो वही है कि मॉस्किटो बाइट से बचना है, मॉस्किटो और मॉस्किटो की ब्रीडिंग को, उसकी ग्रोथ को रोकना है जितना हो सके. आसपास के एरिया में आपका
वाटर इकट्ठा नहीं होना चाहिए, जो समर सीजन में जो कूलर्स हम यूज करते हैं, जहाँ पे भी वाटर बॉडीज हैं, जहाँ पे भी डर्टी वाटर पड़ा हुआ है वहाँ पे, या इवन फ्रेश वाटर भी, वहाँ पे इसका जो मस्किटो है वो पनपता है। और वो जितना ज्यादा इस तरह के पॉटहोल्स या जो एरियाज जो वाटर ड्रेन प्रॉपर नहीं होंगे वहाँ पे ये इन्फेक्शन बढ़ेगा, उस एरिया में इसका इन्फेक्शन ज्यादा फैलेगा। तो हम इससे ये समझ सकते हैं कि जहाँ भी पानी ज्यादा टाइम तक रुका हुआ है वहाँ पर मच्छर आएंगे ही आएंगे और वहाँ से डेंगू फैलने का चांसेस जो है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, एंड मैं एक चीज और जानना चाहूंगी कि जो ये डेंगू है ये विंटर्स में ज्यादा होता है या समर्स में ज्यादा होता है? यूजुअली रेनी सीजन में ज्यादा होता है। जैसे कि इसका सीजन जो हमारा पीक टाइम हम बोल सकते हैं वो जुलाई से स्टार्ट होता है, सितंबर अक्टूबर में पीक आता है, फिर नवंबर दिसंबर में ये कम होना चालू हो जाता है। तो यूजुअली जन टू मई वाला जो सीजन है वो रिलेटिवली लो इन्फेक्टिविटी का होता है, क्योंकि इस समय मॉस्किटो इतने ज्यादा ग्रो नहीं करते हैं। जैसे ही बारिश चालू होगा तो पानी इकट्ठा होना चालू होगा, उसके बाद फिर उनकी ब्रीडिंग चालू होगी, फिर मॉस्किटो इन्फेक्शन की वजह से डेंगू जो है वो दो तरह के टेस्ट हम कर सकते हैं। बेसिकली ब्लड टेस्ट ही है सिंपल और बहुत इजीली, और इसकी सेंसिटिविटी भी काफी अच्छी है। अगर पहले तीन दिन में हमें चार दिन में अगर टेस्ट करना है तो जो इसका एंटीजन है डेंगू का वो हम टेस्ट कर सकते हैं, इसका नाम होता है NS1 एंटीजन। एंड अगर चार दिन आपके निकल चुके हैं, पास हो चुके हैं, तो उसके बाद जो हम टेस्ट करते हैं वो हम एंटीबॉडी, यानी शरीर में उसके अगेंस्ट कितनी एंटीबॉडी डेवलप हुई है, इसको हम डेंगू IgM एंटीबॉडी बोलते हैं, वो हम टेस्ट कर सकते हैं। आजकल डबल किट भी आ गए हैं जो कि आपका एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों का ही टेस्ट कर सकते हैं। ओके, एंड सर अभी हम टेस्ट की बातें कर रहे हैं तो मैं कुछ ऐसे आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसे कुछ होम रेमेडीज भी हैं जो हम डेंगू से बचने के लिए कर सकते हैं या फिर अगर डेंगू हमको हुआ है तो उसमें हम यूज कर सकते हैं घर पर? देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट डेंगू में है आपकी बॉडी में किसी भी हालत में पानी की कमी नहीं आती। ओके, क्योंकि पानी की कमी से ही अधिकतर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। होता क्या है कि अगर आपका फीवर बॉडी में है तो आपकी बॉडी की वाटर की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। हर एक डिग्री टेम्परेचर राइज करने के साथ आपकी बॉडी की 1 लीटर एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है पानी की, एंड अगर वो फुलफिल नहीं होगी तो आपकी बॉडी में लैक ऑफ वाटर की वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उन्हें एडिक्वेट ब्लड फ्लो नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से उनका फंक्शन कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। इसके लिए मेनली जो अटैक होता है वो किडनी और लिवर पे होता है, तो वो आपको परेशान कर सकता है। एंड अगेन, क्योंकि इसका जो वायरस है वो आपके प्लेटलेट को अटैक करता है, तो आपके प्लेटलेट काउंट कम होने की वजह से आपकी ब्लीडिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है बेसिकली। तो ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ने से आपको कहीं से भी शरीर में ब्लीडिंग हो सकती है, आपको यूरिन के रस्ते से ब्लड आ सकता है, स्टूल के रस्ते से, पॉटी के रस्ते ब्लड आ सकता है, नाक से ब्लड आ सकता है। एंड अगर बहुत ज्यादा सीवियर प्लेटलेट काउंट कम हो गया, जो कि काफी केसेस में हो जाता है, तो ऐसे केसेस में आपके इंटरनल ब्लीडिंग या आपके ब्रेन में भी ब्लीडिंग की वजह से डेथ भी हो सकती है। ओके, मतलब इट्स लाइक कि अगर आपने टाइम से इस चीज को मैनेज कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज अगर ज्यादा वो बढ़ गया तो काफी प्रॉब्लम हो सकती है। अधिकतर गलती यही होती है कि लोग बुखार होने के बाद लेट स्टेज में आते हैं, बल्कि बेस्ट ये है कि अगर आपने पहले दिन से ही ट्रीटमेंट चालू कर दिया, डॉक्टर को कंसल्ट कर लिया, तो आपका प्लेटलेट काउंट उतना नहीं घटेगा, क्योंकि हम आपकी दवाई चालू कर चुके होंगे, एंड साथ ही आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा, तो कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकते हैं। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि अगर आपको डेंगू है तो पहले 3 दिनों में आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और एडिक्वेट ट्रीटमेंट चालू करें। ठीक है, तो इससे हम ये समझते हैं कि पानी पीना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड सेकेंडली अगर आपको फीवर होता है तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर को कंसल्ट करें, राइट सर? एब्सोल्युटली सर। मैं जानना चाहूंगी कि डॉक्टर्स जो है वो डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, जैसे चिकनगुनिया हो गया और जीका हो गया, इस तरह की जो बीमारियां होती हैं ये टाइम टू टाइम आती हैं, कभी कभी बीच में एकदम से आती है और मतलब बहुत ही ज्यादा फैल जाती हैं, फिर एकदम गायब हो जाती हैं, तो ये कैसे आप डिफ्रेंशिएट करते हैं? देखिए, जब वायरल फीवर का सीजन आता है तो डेफिनेटली फिजिशियन के लिए सबसे मुश्किल हो जाता है कि ये फर्क कैसे करें कि मरीज को क्या हुआ है। लेकिन छोटे छोटे लक्षण हैं जो कि मैं पहले भी कई बार अपने वीडियोस में बता चुका हूँ। जैसे डेंगू हुआ है तो आपको सिर्फ बुखार होता है या हड्डी तोड़ बुखार होगा। अगर आपको चिकनगुनिया हुआ है, चिकनगुनिया में भी बुखार होता है, लेकिन चिकनगुनिया में आपके बड़े जॉइंट यानी नी जॉइंट, एंकल जॉइंट में सीवियर स्वेलिंग आती है,
और सीवियर पेन होता है, यानी आप उस जॉइंट को मूव ही नहीं कर सकते। तो नॉर्मली नी पे अटैक ज्यादा करता है चिकनगुनिया, जॉइंट पे अटैक ज्यादा करता है और फीवर उतना ज्यादा नहीं होता है। और दूसरी बात, चिकनगुनिया में प्लेटलेट काउंट भी इतना ज्यादा कम नहीं। इसके अलावा अगर हम बात करें बाकी फीवर में, सिमिलरली जैसे अभी कोरोना का फीवर आया था तब काफी लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि इतना हाई रेट फीवर है तो हमें डेंगू तो नहीं हो गया। लेकिन अगर आपको खांसी जुकाम हुआ है, ये बेसिक रूल आप फॉलो कर सकते हैं, अगर आपको खांसी जुकाम है, क्योंकि ईश्वर एक बार में दो तीन बीमारियां नहीं देते, तो अगर आपको खांसी जुकाम है तो हम ये मान के चल सकते हैं कि ये आपका डेंगू तो नहीं होगा, मलेरिया तो नहीं होगा यूजुअली। तो ये भी एक फीचर है, अगर आपको खांसी जुकाम है, हाई ग्रेड फीवर है, तो कोविड होने के चांसेस, कोरोना होने के चांसेस ज्यादा है, ना कि डेंगू या मलेरिया होने के। सिमिलरली हालांकि शुरू के तीन दिनों में चाहे वो कोई भी बीमारी हो, डेंगू हो, टाइफाइड हो, मलेरिया हो, कोरोना हो, सभी में हाई ग्रेड फीवर आता है, तो उस समय डिफरेंशिएट करना मुश्किल है। लेकिन एटलीस्ट डॉक्टर को दिखा के आप उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट करके ये पता लगा सकते हैं आसानी से कि आपको कौन सी बीमारी हुई है। सर, आई वांट टू नो हाउ कैन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एजुकेट पेशेंट्स एंड देयर फैमिलीज अबाउट डेंगू फीवर। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे इम्पोर्टेंट है ये जानना कि ये समझना कि अगर आपको बुखार बहुत तेज है तो ये चिंता का विषय है। अगर आपका किसी भी हाल में बुखार 102 के ऊपर है, भले ही वो डेंगू हो या कोई भी बीमारी हो, वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसे केस में अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें एंड अपना टेस्ट करवाएं, उससे ये आपको तुरंत पता चल सकता है कि आपको डेंगू हुआ है या मलेरिया हुआ है या टाइफाइड हुआ है या अभी जो कोरोना फैला था कोरोना हुआ है, ये सब आप जान सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट कुछ कुछ जो लक्षण है, अगर आपको टाइम से जिनको हम डेंगू में वार्निंग साइंस बोलते हैं, वो वार्निंग साइंस क्या क्या होते हैं, अगर आपको बहुत तेज बुखार है जो कि गोली लेने से भी नहीं उतर रहा है, या आपको बहुत ज्यादा जॉइंट पेन हो रहा है, या आपका यूरिन का फ्रीक्वेंसी या क्वांटिटी कम हो गया है, या आपके शरीर में बहुत ज्यादा लाल दाने या चकत्ते या रैशेस हो गए हैं, या आपके शरीर में किसी भी तरीके से खून आ रहा है, तो वो आपके लिए वार्निंग साइन है। ऐसे केस में तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करके एडमिट हो जाना चाहिए। बिल्कुल, कि अगर ये कोई भी सिम्टम है तो डॉक्टर से जल्दी कंसल्ट करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी सर, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जैसे COVID-19 पेंडेमिक आया था, तो क्या उस पेंडेमिक ने डेंगू के डायग्नोस्टिक्स और मैनेजमेंट को इफेक्ट किया किसी भी हालत में? नहीं, इसका आपस में कोई संबंध नहीं है। बस जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें कोरोना हुआ है या डेंगू हुआ है, तो सिंपल सा मैंने बताया, अगर आपको खांसी जुकाम है तो कोरोना के चांसेस ज्यादा है, अगर आपको सिर्फ बुखार है और बहुत ज्यादा वीकनेस है तो आपको डेंगू के चांस ज्यादा है। बट यूजुअली अभी क्योंकि कोरोना इतना नहीं फैला हुआ है और अभी आने वाले सीजन में, अभी जो जून के बाद जो सीजन चालू होगा, उस समय अगर आपको बुखार है, बहुत तेज बुखार है, तो मान के चलिए कि वो डेंगू या मलेरिया हो सकता है। ओके, एंड सर, टू कंक्लूड दिस ब्यूटीफुल इंटरव्यू, मैं ये चाहूंगी कि आप हमारे जो ऑडियंस है उनको कुछ एडवाइस दीजिए, जो ऑलरेडी रिकवर कर चुके हैं डेंगू से उन्हें भी, और जो आने वाले टाइम में अगर वो रिकवर करना चाहते हैं या फिर उसे प्रिवेंट करना चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो ये जानना जरूरी है कि डेंगू, जैसा कि हमने पहले बताया कि डेंगू लाइफ में चार बार हो सकता है, लेकिन जब वो दूसरी बार होता है तो वो ज्यादा खतरनाक होता है। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि आपको डेंगू दोबारा ना हो, आप मच्छरों से प्रिकॉशंस लें, बच के रहें, मॉस्किटो नेट यूज करें, रिपेलेंट यूज करें, मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम यूज करें, बट अपने आसपास गंदगी या पानी इकट्ठा ना होने दें। इन सब चीजों का अगर ध्यान रखेंगे तो रिस्क कम हो जाएगा। बट अगर आपको हो गया है, अगर आपको सेकेंड टाइम इस तरह के सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, तो प्लीज इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करके अपना ट्रीटमेंट चालू करें। बिल्कुल सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, इट वॉज अ ग्रेट इंटरव्यू, एंड थैंक यू। थैंक यू।